हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर शोहेद बोल रहा था मैं बडनेरा से। सर मैंने आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप के ऊपर, आपने मुझे नंबर दिया था, कॉल करो करके। हाँ बोलिए। सर ऐसा है, मैंने आपको इससे एक हफ्ता पहले भी कॉल किया था ट्रेनिंग के लिए। तो आप बोले लॉकडाउन है, लॉकडाउन में मैं भी नहीं आ सकता हूँ, आप भी सर ट्रेनिंग नहीं दे रहे। वो सर ऐसा हुआ, दरअसल मैं सर ये आपका कॉल रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ चलेगा। सर वो ऐसा हुआ कि मामा का फार्म था, उन्होंने उनको नॉलेज वगैरह कुछ नहीं था। अब मामा का खेत बहुत बड़ा है, तो उनको किसी ने राइट दिया कि गोट फार्म खोल लो, तो उन्होंने खोल लिया था। वो तो खुद ही चला रहे थे, उन्होंने 105 सर गोट्स कराए थे सिरोही। लेकिन वो धीरे 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 मोर्टिलिटी होते होते अभी मतलब 30-40 बची है। और उनके बच्चे ऐसा समझ लीजिए सर 25-26 बच्चे हैं, तो जिसमें से अभी ऐसा समझ लीजिए 3 हफ्ते में 3 बच्चे मर गए अभी। और मैंने आपको एक भेजा हुआ अभी आज वो, तो अभी मामा का ऐसा है कि वो उनका पर्सनल सुपरविजन नहीं है वहाँ पे फार्म के ऊपर, वो सब उनके नौकरों के भरोसे है। तो अभी मैंने सर वो फार्म अभी मेरे अंडर में ले लिया अभी, मैंने बोला मामा को तो मैं चलाता हूँ करके। तो वो सर ना ही तो उनको लीवर टॉनिक, ना ही तो कैल्शियम, ना ही तो उनको डिवॉर्मिंग, ये सर उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अभी अभी मैंने डिवॉर्मिंग किया 2 दिन पहले। तो अभी सर आप मेरे को सर थोड़ा सा सजेशन बताइए सर, अभी कैसा क्या करने का है, क्योंकि सर वो कैसा है बकरियों में सर दूध कुछ भी नहीं है, और बेचारे सर वो बच्चे सब भूख के मारे सर वो मर रहे हैं। खाने में क्या है उनको? खाने में बकरियों को तो सर अभी वो सूखा चारा खिला रहे थे, लेकिन सर मैंने अभी मतलब 2 दिन से मैंने ढेप वगैरह चालू किया हुआ अभी बकरियों में, अभी ढेप और मक्का, गीला वाला मक्का और बाकी सूखा चारा तो अपना ही, फिर वहाँ पे चना, चने का कुटार और तुअर का कुटार। वजन कितना है अभी बकरियों में? क्या बोले सर? वजन कितना है बकरियों में? वजन सर बकरियों का यही मेरे ख्याल से सर 40-45 किलो है, या ज्यादा से ज्यादा 50 किलो, इसके ऊपर वजन नहीं है अभी बकरियों में। और उनका है ना सर, बकरियों के है ना ऐसे मतलब ऐसे बाल झड़के कैसे हो जाती है, जैसा कुत्ते को ऐसे बाल ऐसे चले जाते तो कैसे दिखते हैं, वैसे धीरे धीरे ऐसे मतलब 4-5 बकरियां उसके अंदर से, मतलब 5-6 बकरियां ऐसी हो गई है उसके अंदर से। मतलब उनको डिवॉर्मिंग ही नहीं किया था, जब से लाए उन्होंने सर तब से डिवॉर्मिंग ही नहीं किया उन्होंने। ठीक है, अभी तो डिवर्मिंग कर लो। आप क्या दिया आपने उनमें डिवर्मिंग किया उसको? तो डिवर्मिंग के लिए सर मैंने उनको लिंगदान दिया हूँ, 12-12 ml दिया हूँ सबको, और उसमें से जो प्रेग्नेंट थी तो प्रेग्नेंट को मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, प्रेग्नेंट वैसी थी। सबको दे दो आप। क्या बोले सर? सभी को डिवर्मिंग करो, जो भी छोड़ दिया आपने उनको भी डिवर्मिंग कर लो। तो प्रेग्नेंट को भी कर दूंगे सर, क्योंकि वो अभी दो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में बच्चे देने वाली है प्रेग्नेंट बकरी। अच्छा, देखो कैसे सिंपल सी बात है, वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, अभी बच्चे देगी भी, तो इतने सारे इश्यू है आपके फॉर्म पे, तो ना उनको दूध रहेगा और ना ही उनके बच्चे बनने वाले। तो आपके अगर जहन में ऐसा होगा कि भाई डिवर्मिंग करके बच्चों में कोई दिक्कत होगी, तो वैसे भी आप डिवर्मिंग नहीं करो तो दिक्कत आने ही वाली है, तो सिंपली उनमें डिवर्मिंग कर लो आप। जो भी आपने छोड़े सभी में डिवर्मिंग करो, और डिवर्मिंग करने के बाद 10-12 दिनों बाद फिर उनको लीवर टॉनिक दो आप। अच्छा हाँ, और डिवर्मिंग के बाद अगर रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं आपको तो ठीक है, नहीं तो 15 दिनों बाद दवा बदल के और एक बार डिवर्मिंग करना पड़ेगा उनको। 15 दिन के बाद? हाँ 15-20 दिन जाने दो, 15-20 दिनों अच्छा। में आपने जो डाइट चेंज किया है उस डाइट के हिसाब से अगर आपको अच्छे खासे उनमें रिजल्ट दिख रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनको और डिवर्मिंग करना पड़ेगा एक बार। और उनको अभी सबसे जरूरी बात है कि खुराक बढ़ाना पड़ेगा उनका। अच्छा, और जो बच्चे हैं उनको ऊपर का दूध शुरू कर दो फिर आप। ऊपर का दूध वैसे सर मैं अभी 2 दिन से पिला रहा हूँ ऊपर का, सिर्फ एक ही टाइम पिला रहा हूँ मैं, क्योंकि फार्म पे भैंसे भी है, इस वजह से मैं धीरे से 2 दिन में मैंने चालू किया हुआ अभी एक ही टाइम। ठीक है, अभी बड़ा खेत है आपने बोला था मामा जी का, तो चारे की क्या बुआ है वहाँ पे? क्या बोले सर? चारा कौन सा लगा हुआ है फार्म पे? चारा सर देखिए, एक तो मक्का है वहाँ पे, गीला वाला मक्का लगा हुआ है। हाँ,
और उसके बाद में सर तुअर का कुटारी है और नहीं, चने का नहीं कुटारी भी। खेत में क्या चारा लगा हुआ है? खेत में तो सर अभी कुछ भी नहीं है, बस वो गीला वाला मक्का ही लगता है अभी। तो फिर हरा मक्का शुरू कर दो उनको। ठीक है सर, फिर मक्का भी देता हूँ फिर उनको हाँ, मैं। और कुटार एक दो टाइम हरा मक्का दो फिलहाल, अच्छा कुट्टी करके दो उनको, हाँ और साथ में एक टाइम फिर दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा चने का या तुअर का कुटार दो उनको, और हर अच्छा एक बकरी के हिसाब से पकड़ लो आप करीबन 250 ग्राम खुराक देना है उनको आप। उसके अंदर आप एक तो मक्के का दाना दे सकते हैं, गेहूं का दाना दे सकते हैं, या फिर अच्छा चना सॉरी दाल मिल का जो आता है वेस्ट चूरी वगैरह वो दे सकते अच्छा हैं, अच्छा चूरी या फिर चूरी ढेप दे सकते हाँ हैं, खल्ली दे सकते हैं। ठीक है सर, फिर मैं उनकी सर मतलब ये 2.5 किलो की खुराक बढ़ाता हूँ फिर सबकी। हाँ, ढाई ढाई ग्राम 250 ग्राम हर एक को रोजाना खुराक आने को ना। ठीक है सर, फिर हाँ, मैं करता हूँ। और बच्चों में और जितने भी बच्चे हैं सर उन सबको भी जंत की दवा दे दो अभी आप, अच्छा और सबको दे उन दूँ क्या? सबका हाँ उन सबको देख लो बाल बाजू में करके कि उनके ऊपर जुए हुई है क्या। मुझे लगता है हर एक के ऊपर जुए हुई होंगी। हाँ सर, जुए हो गई है उनके हाँ, तो ऊपर जुए हुई सबके। होंगी तो मार्केट से डिपिंग के लिए कोई दवा मंगवा लो आप, और सबकी डिपिंग कर लो कल। अच्छा ठीक है सर, हाँ, फिर तो डिपिंग करके डिपिंग जब तक करवा लेता उनका हूँ हाँ मैं। पेट के अंदर के कीड़े मर जाएंगे, स्किन के ऊपर चमड़े के ऊपर के कीड़े मर जाएंगे, तभी आप जो हाँ खुराक दे रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस आएगा जानवर को, अदरवाइज कोई मतलब नहीं हो तो फिर कीड़े खा जाएंगे वैसे तो। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ, सर। उसके बाद पूरा डिटेल फिर अपन ट्रेनिंग में देख लेंगे लगे तो। ठीक हाँ ठीक है ना है, सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर चलिए। इनको अगर से मुझे सर कैल्शियम वगैरह और मल्टीविटामिन देना रहा तो वो मतलब वो कैसा दे सकते हैं सर अभी मल्टी अपन? विटामिन की जरूरत नहीं रहती है गोट्स में, मतलब वो जो जुगली करने वाले जानवर होते हैं ना, मुंह चलाने वाले, हाँ उनमें जरूरत नहीं होती है मल्टी विटामिन की। अच्छा उसमें लगे तो आप लीवर टॉनिक दे सकते हैं उनको। अच्छा लीवर हाँ, टॉनिक दे लीवर सकता टॉनिक भी हूँ। अभी डीवर्म किया है, उसके 10-15 दिन बाद आपको अगर रिजल्ट आ रहे हैं कुछ अच्छे खासे तो लीवर टॉनिक हाँ स्टार्ट करो आप, नहीं हाँ तो कोई ठीक है लीवर सर। टॉनिक दो मत उनको अभी। आप उनको उसे पेट के अंदर के कीड़े और बाहर के कीड़े इनका खात्मा करने की देखो, और पूरा जो फार्म है उसको भी हाँ आप एक बार मतलब स्प्रे करा लो जो कीड़े नाशक दवा है उसका, अच्छा अच्छा और अच्छा पूरे फार्म में चूना लेके उसका आओ, पूरे फार्म में चूना डलवा दो आप। अच्छा ठीक है, चूना हाँ, कैल्शियम गवर्नमेंट सर सप्लाई से मिल जाएगा आपको, अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम यहाँ तो मिल रहा है हमको, आपको भी मिलेगा अच्छा तो कम प्राइस में मिल जाएगा, तो कैल्शियम स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है ठीक है। आप। चारा कैल्शियम बढ़ाओ उनका सर, चारा, कैल्शियम कौन सा दूं सर? ऑस्टोवेट वगैरह दूं क्या उनको कोई भी देगा तो कैल्शियम में? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई भी दे सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, और चूना सर उनको वहां पे गीला छिड़कना है या नहीं नहीं सूखा चूना सूखा सूखा छिड़कना? सूखा सूखा पूरी सूखा फार्म में सूखा, पूरा फार्म सफेद कर दो, मतलब जहां पर अच्छा जानवर है उतनी पूरी जगह पे सफेद कर दो आप नीचे में। अच्छा ठीक है सर, फिर हाँ, उसके बाद में ठीक फिर रिकवर हो जाएंगे सारे जानवर, और सब पर्सनल सुपरविजन दो, इसके उसके भरोसे मत करो ये बात। नहीं सर अभी तो सर मैंने मेरे अंडर में लिया हो तो सर मैं पर्सनल सुपरविजन कर रहा हूँ। मैं मतलब ऐसा समझ लीजिए सिर्फ खाना खाने के लिए घर जा रहा हूँ दोपहर में, बाकी तो फिर दिन भर फिर मैं जब फार्म तक पे वो ही पूरे हूँ। अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो रहे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वहीं पे दो वैसे। अच्छा ठीक वैसे है भी सर, लॉकडाउन के चलते बाहर तो कुछ चल नहीं रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम फार्म पे दो आप, आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और 30-40 सिरोई ठीक बोले है तो सर। बहुत बहुत ज्यादा तादाद है आपके पास में, इतने सारे सिरोई से आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं, सिर्फ क्वालिटी में होना ठीक सिरोई। है सर, 105 पे मैं बता क्या रहा हूँ, 105 पे सर ऐसे धीरे 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 सर ऐसे मरते चले गए सर उनके पास अरे से। क्या होता है, लोग है ना एग्रीकल्चर को पूरा मजाक में ले लेते हैं, सीरियसली नहीं अब सर देखते वो एग्रीकल्चर को, उस सर कारण ही नुकसान होता है। यहाँ तक के सर उनके पास में 2,000 पोल्ट्री का उन्होंने वो बना है, पोल्ट्री शेड बना है, लेकिन वो पोल्ट्री डलवाए उन्होंने दूसरों के भरोसे पे। 6,000 मुर्गियां सर 3 हफ्ते में मर गई, 2 हफ्ते में 3,000 मुर्गियां 6,000 मुर्गियां मर गई उनके पास, नहीं, ऐसा मतलब कुछ भी उनको गलती मत नॉलेज करो आप, उनकी आपको भी नहीं करना होगा ना तो आप पर्सनल है। सुपरविजन के साथ ही करो काम, हाँ ठीक है ना सर, दूसरे के तो भरोसे होने वाला काम नहीं यार बिजनेस कोई भी रहे, और अच्छा एग्रीकल्चर या ठीक लाइव स्टॉक वाला जो बिजनेस रहता है ना वो तो ज्यादा सेंसिटिव रहता है। अच्छा अच्छा हाँ, आपके पास अच्छी तादाद में जानवर है उनको इम्प्रूव करो आप, जानवर बढ़ाने हाँ की ठीक बिल्कुल कोशिश मत करो, जो जानवर है उनको अच्छा खासा बनाओ आप। हाँ सर, वो कैसा हुआ कि मामा बोले कि मैं बेचता हूँ, वो बेचने वाले थे सर मतलब ऐसे कम कौन नामों में देने लेगा वाले थे वो मैंने, 500-500 रुपए में लेता था सामने वाला यार, तो आप मैं ही वही इम्प्रूव बोल रहा करो हूँ उनको कि उनको, मन 2 महीने में हाँ ठीक तो है सर। जानवर बढ़िया बन जाएगा। हाँ ठीक है सर, हाँ, ओके।
और सर ये आपका सर पर्सनल नंबर है क्या? हाँ ये पर्सनल नंबर है। हाँ ठीक है सर, फिर मैं सेव कर लेता हूँ इसको। चलेगा। और ऐसा कुछ प्रॉब्लम रही तो सर मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दूँगा। चलेगा ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। देखिए सर लॉकडाउन